वो तो बता दीजिएगा। हमारे पास क्या है, बोट ट्रेवल्स डाउन स्ट्रीम फॉर 14 किलोमीटर एंड अप स्ट्रीम फॉर 9 किलोमीटर। द बोट टुक टोटल टाइम 4 आवर्स फॉर दिस जर्नी। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द रिवर फ्लो? द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज एक्स। तो आपके पास बोट की जो स्टिल वाटर की स्पीड है वो 5 है और आपको रिवर फ्लो की स्पीड चाहिए। तो रिवर फ्लो की स्पीड हम वाई मानते हैं, बोट की स्पीड को हम एक्स मानते हैं। तो हमारे पास जो डाउन स्ट्रीम होता है उसमें स्पीड प्लस हो जाती है, एक्स प्लस वाई, तो 5 प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम का जो डिस्टेंस है वो 14 किलोमीटर है। तो 14 किलोमीटर में अगर आपके पास टाइम लग रहा होगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आने का जो है डाउन अप स्ट्रीम का वो 9 किलोमीटर है, वहां पे स्पीड होनी चाहिए 5 माइनस वाई और टोटल टाइम 5 आवर्स। ये आपके पास लग रहा है, तो इक्वेशन ये बन रही है। सबको ये इक्वेशन समझ में आ रही है? जाने का डिस्टेंस, जाने का टाइम, आने का टाइम, आपको पहले भी बता चुका हूँ, स्पीड डिस्टेंस टाइम, ये सिंपल होता है। एक होता है डाउन स्ट्रीम, एक होता है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में जो हम स्पीड लेते हैं वो लेते हैं एक्स प्लस वाई, अप स्ट्रीम में लेते हैं एक्स माइनस वाई। ये दिमाग में होना चाहिए। जाने का जो डिस्टेंस है डाउन स्ट्रीम का वो 14 किलोमीटर है, आने का जो है वो 9 है और टोटल जो टाइम दिया हुआ है वो। तो ये हमारा क्वेश्चन था, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम दूसरी तरह से देखते हैं, यहाँ पे बोट की स्पीड यानी कि एक्स हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये पास अच्छा, अगर हम बात यहाँ फॉर्मूला भी लिख दें कि भाई टाइम होता क्या है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने का टाइम हो जाएगा 14 अपॉन एक्स प्लस वाई, आने का टाइम हो जाएगा 19 अपॉन एक्स माइनस वाई। दोनों को प्लस करेंगे 5 के इक्वल लग देंगे। तो ये हमारा ऑन चाहिए। तो खैर ये आपको समझाने के लिए था, बट हमारी तो इक्वेशन सिर्फ इतनी सी आ गई है, ये हमारी इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे भी आप देखिए, या तो इसे सॉल्व करिए, ठीक है, या इसे सॉल्व करने से अच्छा है कि इसे यहाँ चेक कर लीजिए कि क्या ऐसी कोई वैल्यू है जिसके रखने से ये सॉल्व हो जाए। कोई रख सकते हैं हम यहाँ पे 8, 2, 6, 5 कोई वैल्यू हम यहाँ रख दें? कैसे कह रहा हूं मैं, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 रख दूं, सिंपल, हाँ 2 से सही है, तो 5 प्लस 2 7 हो जाएगा, है ना, 7 से ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा और 5 माइनस 2 ये 3 हो जाएगा, 3 से ये 3 आ जाएगा। तो 3 प्लस 2 5 होता है या नहीं होता? तो दिमाग आपका अपने हिसाब से है कि आप कैसे सोचते हो। इक्वेशन तो हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करने पाए, बट अदरवाइज ये भी है कि चेक कर लीजिए। जैसे 45 जा 70 माइनस 14 वाई, 9 5 जा 45 प्लस 9 वाई और 25 माइनस y² = 5, ये हमारे पास आएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, 70 45 105 माइनस 5y, और ये क्या आ जाएगा, 5 से कॉमन भी ले सकते हैं, चलिए 125 माइनस 5y² तो आपके पास क्या आ गया, 5y² - 5y और ये -25 = 0, कुछ इस तरह से इक्वेशन बनी, -25 - 20, इससे से 5 कॉमन लेंगे, y² - y - 4, इक्वेशन ये नहीं आ रही, कुछ और आएगी, कहाँ गलती करी हमने, अच्छा 115 आएगा, 70 + 45 जो है वो 115 आएगा, 115 125 10 आना चाहिए, तो 10 आएगा तो 2 आना चाहिए। तो अब ये इक्वेशन बन गई y² - y, तो यहाँ 2 फैक्टर आएंगे y - 2 and y + 1, तो y = 2 और y = -1, तो एक इससे सॉल्व कर सकते हैं, बट सॉल्व की जरूरत ही नहीं थी। तो ये हमारे पास चीजें देखनी पड़ेंगी कि आप किस तरह से इसको यूज कर।